बुला कसने से लबै कलना मुसलमान ही तू यहूदी का यहूदी का जंड यहूदी का जंड बड़ा होती लबैक ये देखे जरा, ये हम यहाँ पे ड्यूटी करने आए थे, इनको सिक्योरिटी देने आए थे। इनके बड़े खादिम साहब रिजवी साहब जो वफात पा चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम मारे खा लेंगे, हम जेल में चले जाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना इस मुल्क को किसी भी खित्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना इस मुल्क के किसी नौजवान को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये हम यहाँ पे सिक्योरिटी करने आए थे, इन लोगों ने हमारे सर में पत्थर मारे हैं, इन लोगों ने इंडिया उठा के हमारे सर में मारी है, हमारे नौजवानों को मारा इन्होंने, मेरा मोबाइल 20,000 का वो इन्होंने ले लिया, उसके बाद मेरे सर में लगा, ये इतनी जोर से पत्थर लगा, मेरे जेब में पैसे थे वो भी निकल गए हैं। ये तलीम दिया खादिम साहब रिजवी साहब ने कि मुल्क का नुकसान किया जाए, ये तलीम उनकी कभी भी नहीं थी। ये लोग असल में मुल्क के दुश्मन हैं, ये लोग मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम लोग क्या, हम लोग मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं, हम लोग मुल्क के साथ कुर्बानी दे रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क के नौजवानों को मार रहे हैं, इन लोगों ने कुर्बानियाँ देनी है। ये सिखाया था आप ने, ये सिखाया था खादिम साहब रिजवी साहब ने, मुल्क की खातिर कुर्बानी देना सिखाया था उन्होंने, ये तो बिल्कुल नहीं सिखाया, उनकी तलीम ये तो बिल्कुल नहीं थी। ये दरिंदे हैं लोग, हमारे पीछे भाग रहे हैं, हमारे नौजवानों को बुला रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ हमारे किसी भी नौजवान ने एक पत्थर भी नहीं मारा, एक हल्की सी स्टिक भी नहीं मारी इनको, और ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं फैदाबाद में खादिम साहब रिजवी साहब मुंह पे बांधा हुआ उन्होंने, और वो सारे पत्थर भी खा रहे हैं, सारी शैलिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से पत्थर मार रहे हैं। हम लोगों ने इनको एक स्टिक भी निकाली, मैं अल्लाह रसूल का नाम लेकर कहता हूँ, मैंने हम लोगों ने इनको एक स्टिक भी नहीं मारी है, वो लोगों ने हमारा क्या हल किया। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं,